इस वीडियो में हम बात करेंगे मणिपुर वायलेंस के बारे में, जो कि अभी न्यूज़ का लेटेस्ट अपडेट आ रहा है भाई। तो एक्चुअली में हुआ ऐसा है मणिपुर में, आपको पता होगा, तीन वुमेन्स को नेकडली घुमाया गया, मतलब वस्त्रहीन करके उन्हें रास्ते में घुमाया गया। तो एक्चुअली में सरकार को इसमें कुल मिलाकर चार आरोपी मुख्य मिले हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। वे चार आरोपी हैं जिन्होंने इस घटना को मुख्य रूप से अंजाम दिया, जिनमें से एक उनका सबसे बड़ा लीडर माना जा रहा है, जिसने इस घटना को सबसे पहले करा। तो फिर अब पुलिस ने उसको तो गिरफ्तार कर लिया है, बल्कि चारों को गिरफ्तार कर लिया है। अब चारों से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन यार वो भीड़ तो लगभग 800 जनों की थी ना, तो और भी तो बोल सकते थे, किसी ने नहीं बोला। तो यार कुल मिला के जितनी गलती करने वाले की होती है, उतनी देखने वाले की भी होती है। तो यार वैसे मेनली देखा जाए तो सभी गुनहगार हैं भाई, पर लेकिन मुख्य तौर से सबको गिरफ्तार नहीं करा जा सकता, इसलिए वे चार आरोपी हैं भाई जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उनसे लगातार सवाल जवाब पूछ रही है कि तुमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मणिपुर में आपको पता ही है, अब पुलिस ने भाई पूरे 77 दिन बाद इसका एक्शन लिया है। मणिपुर में जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सब धरे के धरे रह गए भाई। राज्यपाल अब कह रहे हैं कि आप कहाँ थे मुख्यमंत्री से इतने टाइम से, क्योंकि अब 77 दिन बाद आपको इस बात का पता चला, वो भी तब जब ये वीडियो लीक हो गया भाई। इतनी बड़ी बात हो गई, उसके बाद गवर्नमेंट को पता चला। 4 मई की घटना है और ये परसों वेडनेसडे के दिन ये वीडियो लीक हुआ था, यानी कि 77 दिन बाद। सोशल मीडिया में सबने लगभग ये वीडियो देख लिया भाई। कितनी दरिंदगी की बात होगी भाई, किसी के लिए कितनी बेकार बात होगी। तो यार अब देखते हैं कि सरकार क्या निर्णय लेती है इस बात के ऊपर, जो मणिपुर वायलेंस हुआ है। आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना, और जुड़े रहिए ऐसी ही लगातार न्यूज़ के बारे में।